बस्मिलीम असलैक्म वेलकम टू माय किचन मैं हूं शैफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलशियस रेसिपी लेके आई हूं आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट से पैनकेक्स ये यम ही बनेंगे और इस रेसिपी में हमें बेकिंग पाउडर यूज़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे अंडे की सफ़ेदी तो यहाँ पे दो अंडे हमें यूज़ करने हैं और यहाँ पे हमें सिर्फ अंडे की सफ़ेदी जो ऐड करनी है अच्छे से तमाम सफ़ेदी को निकाल लेना है एक बोल में और जर्दी का थोड़ा सा भी पार्टीज इसमें नहीं आना चाहिए वरना यह रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती है और जो जर्दी है उसको हम दूसरे बोल में निकाल लेंगे तो एक बोल में हम ऐड करेंगे दो जर्दी साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चुटकी भर नमक वन टी स्पून वनीला एसेंस और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे ट्वेंटी ग्राम्स मिल्क यानी कि दूध इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे थर्टी ग्राम्स फ्लावर यानी कि मैदा तो सिंपल मैदे को हम इसमें छान के ऐड करेंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एकदम स्मूथ सा इसको बना लेना है कहीं पे भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए तो ये अच्छे से मिक्स हो गया मैंने इसको एकदम स्मूथ होने तक मिक्स कर लिया है और अब जो अंडे की सफ़ेदी थी इसमें हम ऐड करेंगे 20 ट्वेंटी ग्राम्स चीनी और अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे हमें यहाँ पे इसको इतना अच्छे से बीट करना है कि अंडे की जो सफ़ेदी है वो एकदम वाइट हो जाए और फ्लफी हो जाए अच्छा काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने ये वाला बीटर जो है वो कहाँ से लिया आप इस तरीके का जो बीटर है वो दया से ऑर्डर कर सकते हैं या तो फिर काफ़ी ज़्यादा ना बर्तन के आजकल शॉप्स वगैरह से भी मिल जाता है तो इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और यह अच्छे से बीट हो गया है तो देखिए इस तरीके से एकदम फॉर्मी सा हो गया जैसे विप क्रीम होती है ना ये बिल्कुल वैसा हो गया है और इसी वजह से ये जो रेसिपी है ना इसमें हमें बेकिंग पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें हम इतनी सारी एयर इनकॉपरेट करते हैं जिसकी वजह से एकदम फ्लफी सा हो जाता है अब हम अंडे की सफेदी में से थोड़ा सा मिक्सचर इस तरीके से लेंगे इसको ऐड करेंगे अंडे की जर्दी वाले मिक्सचर में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये अच्छे से हो गया है अब हम इस वाले मिक्सचर को ऐड करेंगे यानी कि सफेदी वाले मिक्सचर में और बहुत ही हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह पहले सिंपल स्पैचुला से, से हल्का सा मिक्स कर लें और फिर सिंपल चाहे तो बलून वे की मदद से इस तरीके से मिक्स कर लें जैसे अच्छे से जैसे ही कंबाइन होगा ना तब तक हमें इसको मिक्स करना है तो ये अच्छे से कंबाइन हो गया है अब मैं एक पाइपिंग बैग रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे बैटर अब हमें चाहिए एक नॉन स्टिक पैन नॉन स्टिक पैन में हम हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे और टिश्यू पेपर की मदद से ऑयल को इस पर स्प्रेड कर लेंगे पाइप में एक्सर हम ऐड करेंगे बैटर तरह राउंड और अब हम इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे चार से पाँच मिनट के लिए उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके वापस से एक मिनट के लिए पकाएंगे तो इस तरीके से बहुत ही डिलेशियस हमारे सॉफ्ट पैनकेक्स जो है वो रेडी हो जाएंगे इसको हम निकालेंगे प्लेट में मेरे पास पैन है वन एक साथ हम ज़्यादा भी बना सकते हैं इसके ऊपर हम रखेंगे बटर इसके ऊपर ऐड करेंगे हनी या फिर मेपल सिरप तो तैयार है इस तरीके से हमारे डिलिशियस से सॉफ्ट पैनकेक्स इनका फ्लेवर बहुत ही यमी होता है और ये एकदम सॉफ्ट होते हैं अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो हम इस तरीके से बना सकते हैं पैनकेक्स और ये सुपर यमी बनते हैं अगर आपको इस डिलिशियस से पैनकेक्स की रेसिपी पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़